जनजातीय क्षेत्र भरमौर के कुठेर गांव के बागवान आजकल अपने बगीचों में आई एक अजीब बीमारी के चलते परेशान हैं। बता दें कि कुठेर गांव के बगीचों में आजकल यहां के जो सेब के पेड़ है वो उनके पत्ते सूखने लगे हैं, जिसके चलते ये जो बागवान हैं वो अपनी सेब के बगीचों की सेहत को लेकर परेशान हैं। उन्होंने बागवानी विभाग भरमौर से मांग की है कि एक विशेष प्रकार की टीम का गठन किया जाए और वो टीम उनके बगीचों का दौरा करे ताकि पता चल सके कि किस बीमारी के चलते उनके सेब के पत्ते जो हैं वो सूखने लगे हैं। उधर बागवानों द्वारा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुठेड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनलों का निर्माण उनके गांव से हो रहा है, तो हो सकता है कि इन टनलों के चलते उनके जो बागीचे हैं उन पर बुरा असर पड़ा हो। लिहाजा उन्होंने बागवानी विभाग भरमौर से मांग की है कि वो हमारे बागीचों का दौरा करें और पता करें कि किस तरह की बीमारी से हमारे सेब के बागीचे जूझ रहे हैं। तो बहरहाल बागवान परेशान हैं, उनका कहना है कि इस तरह की बीमारी उन्होंने अपने सेब के बागीचों में कभी नहीं देखी, लिहाजा वो अपने सेब के बागीचों की सेहत को लेकर बेहद चिंतित है। तो उन्होंने बागवानी विभाग भरमौर से मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र वो हमारे बगीचों का दौरा करें। मेरा नाम धर्मचंद है। जब 20 साल में तक कोई भी मतलब ऐसे कोई भी दिक्कत ना आई, 20 साल मेरे बीच है, कोई भी ऐसे ऐसी बीमारी मैंने जाती कभी। अब ये मतलब मेरा पता है भाई, ये स्टैंडर्ड पहने था हुआ सी मतलब ये प्रॉब्लम लगे होना कि कह वजह हो लगे होना। अगर जब कोई प्रॉब्लम पहले और बंदे था 20 साल पहले अगो भी ये सकते पहले, आज क्या चले आए मतलब आज इन्हें कोई मतलब तो यही बोला कि भाई स्टैंडर्ड पहने हो तो असि मतलब लगे। मेरा नाम चैन सिंह चेड़ हूँ, रहने वाला मेरा बगीचा है। इस बगीचे में खड़ी रहा हूँ, थल्ले ऊपर देखकर काफ़ी बूटे है। ये इतने साल में कोई बीमारी ना थी पहले ही नहीं, बढ़िया फल भी देते थे। कोई 20-25 साल लोरे बच गए थे तो मैं कुछ ना हुआ। अच्छा हम अज इस साल में क्या लगा होना ये समझ कोई ना थल टंडल लग रो पैना, इस वजह हाँ कि कस कारण है। ये प्रशासन वाले जान नहीं है, अपने बागवानी जान नहीं है, तो इनको पूछा जाए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, गांव कुठेड़ का रहने वाला हूँ। आज जो ये जो आज हमारे बगीचों में सेब के पेड़ों में जो आज ये दिक्कत सामने आई है, इसको देखकर हम बागवान हैरान रह चुके हैं कि केवल इसी दायरे में जो ये प्रोजेक्ट का कार्य चला हुआ है, जो प्रोजेक्ट के नज़दीक है क्रशर प्लांट भी है, टनल का काम भी चला हुआ है, दिन रात इनका काम चला हुआ है, इसी वर्ष ये प्रॉब्लम नहीं, इस प्रॉब्लम हमारे सामने आई हुई है। ये आप देख रहे होंगे ये पत्ते जो है, ये जैसे जले हुए पत्ते, इसी जले हुए पत्ते की तरह ये देखें आप, मतलब सभी सेबों के पेड़ों को ये बीमारी जो है लग चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रशासन देखे कि ये इतने वर्ष 25-26 साल इनको लगाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, सेब भी आते थे, सब कुछ लगता था, और आज देखें कि ये सेब में तो उल्टी बीमारी आ चुकी है, आधे पत्ते सूखे आधे इसमें गिल्ले हैं। तो मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि ये जो आज हमारे ये हमारे बगीचों में ये बीमारी है, इसकी जांच करें, और इसकी जांच करने के जो है वो प्रशासन वो आगे आदेश करे, और इसकी जांच जो है हम चाहते हैं सभी बागवान जो खेड़ वाले हैं जी। धन्यवाद जी। ट्राइवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ट्राइवल टुडे टीवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर।